स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में अब फाइनली अभीरा और अरमान नज़दीक दिखाई दे रहे हैं, जहां उनकी एनिवर्सरी होती है और अरमान अभीरा को गिफ्ट करता है एक तस्वीर। वो तस्वीर में अभीरा की माँ और अभीरा होती है। ये देखकर अभीरा बहुत खुश होती है और वो अरमान को गले लगा लेती है और वो बोलती है थैंक यू सो मच इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। वहीं अरमान एक और गिफ्ट लाता है और वो गिफ्ट में मैरिज सर्टिफिकेट होता है। दोनों काफ़ी क्लोज दिखाई दे रहे हैं। बस इसी बीच अभीरा को एक कॉल आता है और वो कॉल काकिसा का होता है। वो बोलती है कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और उनके लिए प्लीज़ तुम केस लड़ो। वहीं अरमान को भी एक कॉल आता है और वो कॉल रूही का होता है। रूही बोलती है कि मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है और प्लीज़ मेरे लिए तुम केस लड़ो। वहीं सीरियल में काफ़ी ट्विस्ट आने वाला है, जहां दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े रहेंगे। अब दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं अपने अपने क्लाइंट के यहाँ। वहीं पुलिस स्टेशन में अरमान रूही का केयर करता हुआ दिखाई देगा। ये देख कर अभीरा बहुत जेलस फील करती है। अब अरमान और अभीरा अपने क्लाइंट का रिपोर्ट लिखते हैं, जहां अरमान अभीरा को बोलता है कि मेरे क्लाइंट ने आपके क्लाइंट का बहुत नुकसान किया है, उन्हें बहुत चोट पहुंची है और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा क्लाइंट जो भी खर्चा होगा हॉस्पिटल का वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, हम केस यहीं ख़त्म करते हैं। वहीं अभीरा बोलती है कि नहीं, मेरे क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। वहीं अरमान बोलता है कि ठीक है, अब मुझे ये केस जल्द से जल्द ख़त्म करना है, इसीलिए कल ही कोर्ट में सुनवाई होगी और तुम टाइम पर आ जाना अभीरा। वेल, आगे का शो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन केस जीतेगा? क्या रूही की वजह से फिर से अरमान और अभीरा का मूड अलग हो जाएगा? क्या उनकी कहानी में फिर से कुछ होगा? अब आगे का शो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन ये केस जीतता है? क्या रूही के वजह से अरमान और अभीरा का रिश्ते में फिर से दूरियां आएगी? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। वेल, आपका क्या कहना है ये पूरे अपडेट को लेके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही सीरियल्स की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।